हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मेड मैथ्स इजी बाय एवी प्रॉब्लम्स ऑन एजेस। तो यहाँ पर एजेस पे प्रॉब्लम्स होती हैं वो सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करना है मैं बता चुका हूँ पहले ही वीडियो में दो क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूँ जो बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, और इस वीडियो में भी मैं चार क्वेश्चन सॉल्व करूँगा जो बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे। वीडियो को ध्यान से देखना और पूरी एंड तक देखना। तो आज हम इस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं प्रॉब्लम्स ऑन एजेस पर। हमारा पहला क्वेश्चन है, राम्स सन्स एज इज 1/3 ऑफ राम्स वाइफ्स एज। राम्स वाइफ्स एज इज 4/5 ऑफ राम्स एज एंड राम्स एज इज 3/5 ऑफ राम्स फादर्स एज। हमें निकालना है फाइंड द एज ऑफ राम सन। राम के सन की एज कितनी है वो निकालनी है। अब देखो मैं गिवन दो क्या है, इफ राम्स फादर एज इज 50 ईयर्स। जो पहले गिवन है पहले हम बोल लिखते हैं, गिवन हमें इधर रखा है। पहले लिखेंगे कि जो हमें गिवन है कि राम के जो फादर हैं उनकी एज जो है 50 इयर्स दे रखी है। तो यहाँ पे फादर की एफ मान लेते हैं, फादर की एज एफ है और वो है 50 इयर्स। जो पहले एट द एंड जो क्वेश्चन में हमें गिवन है, इफ राम्स फादर एज इज 50 इयर्स, तब निकालनी कि राम के सन की एज कितनी होगी और ऊपर की इंफॉर्मेशन को यहाँ पे यूज करनी है। तो हम पहले हमने लिख ली है यहाँ पे फादर की एज है 50 इयर्स। अब देखो हमें यहाँ पे लाइन दे रखी है कि राम्स यानी कि राम के सन की जो एज है वो उसकी वाइफ का 1/3 है। अब हम वाइफ की एज मान लेते हैं y इयर्स। वाइफ की एज मान ली हमने y इयर्स, सन की एज मान ली है हमने x इयर्स। राम के सन की एज है x इयर्स और वाइफ की एज है 4 इयर्स। यहां पे हम लिखेंगे लेट एज ऑफ सन एंड वाइफ, ये राम की वाइफ है और सन है राम का, तो वो है x, y इयर्स। हम ले देंगे रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब है कि सन की एज हो गई x और वाइफ की हो गई y इयर्स। अब लिखेंगे यहां पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन हमें रिलेशन दे रखा है सन्स एज और राम्स वाइफ्स एज में, वो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। अब सन की एज कितना लिखते कैसे हैं, सन का एज है x इयर्स, तो हमने यहाँ पे x लिखा, ये x हो गया, इज माने बराबर, ये 1/3 है ऑफ राम्स वाइफ्स एज, यहाँ लिखेंगे 1/3 ऑफ वाइफ, ये लिखते हैं राम्स सन एज इज 1/3 ऑफ राम्स वाइफ्स एज, ये लिख दिया। ये हो गया हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब यहां पे लिखा हुआ है कि राम्स वाइफ एज इज 4/5 ऑफ राम्स एज। यहां पे हमें राम की एज लेट करनी पड़ेगी कि राम की एज हम यहां पे जेड लेट कर लेते हैं, तो लिखेंगे लेट राम्स एज इज इक्वल टू जेड इयर्स। यहाँ पे जो हम लेट कर रहे हैं एज ऑफ सन एंड वाइफ, राम्स एज, ये उनकी प्रेजेंट एज है एक्स वाई और जेड। यहाँ पे राम्स वाइफ एज, वाइफ का एज कितना है प्रेजेंट वाई इयर्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे जो वाई है वाई बराबर इज माने बराबर 4/5 ऑफ राम्स एज, 4/5 जेड, ये सेकेंड इक्वेशन बन गई।
लिख देंगे हम सेकेंड इक्वेशन। ये सन का एज है एक्स इतना, ये राम का एज है, सॉरी हाँ राम का वाइफ का एज है 4/5 ऑफ राम का एज। अब यहां पे राम का जो एज है यानी जेड, थर्ड इक्वेशन जो बनेगी इस थर्ड लाइन से वो है जेड बराबर, यानी राम एज इज 3/5, 3/5 ऑफ राम फादर्स एज। राम के पापा की एज कितनी है, जेड ही ऐसे, तो यहां लिख देंगे जेड। तो पहली इक्वेशन थी कि जो राम के सन की एज है वो उसकी वाइफ का 1/3 है। अब जो वाइफ का एज है वो जो राम है उसका हस्बैंड उसका 4/5 है, और जो राम की जो एज है, राम की जो एज है वो उसके फादर का, फादर की एज कितनी है, इतनी 50 years मल्टीप्लाई बाई 50 लिखेंगे। जो राम की जो पापा की, ठीक है पापा की एज दे रखी 50 years, यहाँ पर दे रखा है कि राम एज इज 3/5 ऑफ राम फादर्स एज। राम की एज जेड है, पापा की एज 50 है, तो 50 का जो 3/5 पोर्शन होगा वो राम के पापा की एज होगी, वो राम की एज होगी यहाँ पे। इवन की थर्ड इक्वेशन हमें निकालना है, फाइंड द एज ऑफ राम्स सन, माने सन का एज कितना एक्स ईयर्स है, तो हम यहाँ पे सीधा एक्स का वैल्यू में फाइंड आउट करना है यहाँ पर कि एक्स का वैल्यू कितना होगा। अब देखो हमारे पास कितने वेरिएबल हैं, एक्स है वाई है और जेड है, और इक्वेशन कितनी है, तीन ही इक्वेशन है, तीन वेरिएबल है और तीन इक्वेशन है, तो इसके थ्रू हम उनको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे उनको सॉल्व करेंगे इधर इक्वेशंस को, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, जो काम करनी है उसको मिटा दे रहा हूँ। इक्वेशंस हैं वो मैं, एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है, अभी ये इक्वेशन तो x बराबर 1/3 y, मुझे बेसिकली x निकालना है, उसके मुझे y चाहिए होगा, जब यहाँ से z निकल जाएगा, z क्या था, z था जो राम का एज है, तो z बराबर यहाँ से 5 10 जा यहाँ से आ गया 30 years, मतलब राम की एज आ गई 30 years, तो z का वैल्यू मालूम है हमें। अब इस z का वैल्यू को हम सेकेंड में पुट करें, हम लिखेंगे पुटिंग जेड बराबर 30 इन इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे, इन इक्वेशन सेकेंड पुट करेंगे तो ऐसे मेरे पास वाई निकल जाएगा, वाई बराबर में 4/5 जेड है, ये रिलेशन में दे रखा था कि राम्स वाइफ एज इज 4/5 ऑफ राम्स एज, यहां से दिया 4, वाई बराबर में यहां जाएगा 4/5 मल्टीप्लाई 30, सॉल्व करेंगे जाएगा 5 6 36 24 years, तो यहां से हमारे पास y का वैल्यू आ गया 24 years, माने जो राम की जो वाइफ है उनकी एज कितनी है 24 years, y आ गया हमारे पास। अब यहां पास हाँ यहां से इसको मैं ऊपर सॉल्व कर लेंगे, अब मुझे निकालना है x, माने x माने राम की जो सन है उसका एज कितना है, यहां से लिखेंगे पुटिंग y बराबर 24 इन इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि जब हम y का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में डालेंगे तो हमें x निकलेगा, जो कि राम के बेटे की जो एज है वो निकल जाएगी जो मैंने निकालनी है। तो x बराबर 1/3 मल्टीप्लाई 24, यहां देगा 3 8 24 8, तो यहां पर हमें x बराबर कितना आ गया 8 years, सन की एज आ गई 8 years, तो इसका ये सोल्यूशन हो गया पूरा। पहले हमें जो गिवन था हमने गिवन लिखा ये राम की फादर से एज इतनी है, अब जो हमें सेंटेंसेस में जो हमें
दे रखा है, इंफॉर्मेशन दे रखा है, उसको हमने इन इक्वेशन में कन्वर्ट करा। ये तीन ही वेरिएबल थे, तीन ही इक्वेशन है, तो इजिली सॉल्व हो जाएंगी, ये वो सॉल्व भी हो जाएंगी। वो सॉल्व करके हम पहले हमने जेड निकाला, फिर हमने जेड माने राम का एज निकाला, फिर हमने उसकी वाइफ का एज निकाला, वाई निकाला, फिर एक्स और हमें सन और वाइफ में रिलेशन दिया होता है कि ये दोनों की एजेस में रिलेशन है, तो वाई को यहाँ पे पुट करके हमें एक्स निकल गया 8 years। तो बस इसको जो सेंटेंसेस में दे रखा है इसको बस मैनिपुलेट करके इसको भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में कन्वर्ट करना है, इसके बाद सॉल्व करना है, मैथ्स लगानी है, उसके बाद हमारे पे एक्स जो एज है वो निकल जाती है। ऐसे शुरुआत में हम इनकी प्रेजेंट एजेस को लेट करते हैं, इनकी प्रेजेंट एज क्या है और जो गिवन है क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग हम उनको मैनिपुलेट कर लेते हैं। ये पूरा सोल्यूशन हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का।